हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको प्रेगनेंसी में पेट के निचले हिस्से में दर्द क्यों होता है और ये किन बड़े संकेतों की तरफ इशारा करता है। क्योंकि क्या होता है, जब पेट में दर्द होता है तो हर प्रेग्नेंट लेडी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, वैसे भी प्रेगनेंसी में पेट में दर्द होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। जब भी आपको पेट में दर्द हो, आपको इसको सीरियस लेना चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, वीडियो अगर को आपको लाइक लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के 1 से 3 महीने में पेट में दर्द, दाएं बाएं, ऊपर नीचे या पूरे पेट में ही आपको दर्द फील हो, तो ये सीरियस बात है। ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ये मिसकैरेज की तरफ इशारा करता है। और साथ ही अगर आपको पेट दर्द के साथ ब्लीडिंग, स्पॉटिंग भी नजर आती है, तो ये भी मिसकैरेज का बड़ा कारण होता है। ऐसे में बिना टाइम वेस्ट किए हुए तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर से जाके मिलें, ठीक है। अब जैसे कि प्रेगनेंसी के 1 से 3 महीने में कभी कभी आपको अचानक से हल्का सा पीरियड की मरोड़ों जैसा दर्द होगा, तो ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, ये होता है, कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हुआ, आपने रेस्ट कर लिया, सही हो गया, या पानी पी लिया, सही हो गया, तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब कि 4 to 6 months, चौथा, पांचवा, छठवा महीना। तो फ्रेंड्स, चौथे महीने से ही आपका बेबी गर्भ में तेजी से बढ़ने लगता है, जिस वजह से आपका यूटरस का साइज बढ़ता है, और यूटरस का साइज बढ़ने की वजह से आपका पेट भी बढ़ने लगता है। तो हमारे यूटरस के आसपास की जो मसल्स होती हैं, उनमें खिंचाव होता है, उन पर प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से भी आपको कभी कभी पेट में दर्द हो सकता है। लेकिन अगर आप रेस्ट करती हैं तो ये दर्द सही हो जाता है। लेकिन अगर आपको पेट के निचले हिस्से में ही दर्द रहता है, ज्यादा टाइम तक रहता है, या पेट के बाएं हिस्से में आपको ज्यादा टाइम तक पेन रहता है और पेन सही नहीं होता है, या फिर आपको कभी कभी स्पॉटिंग भी नजर आती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, ठीक है। तो आपको, तो अगर आपको ऐसे लक्षण नजर आते हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाएं। अब बढ़ते हैं हम थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ। तो थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब कि 7 to 9 months, 7वां, 8वां और 9वां महीना, ठीक है। तो फ्रेंड, 7वें महीने से ही क्या होता है कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रेक्शन आना स्टार्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रेक्शन मतलब कि फॉल्स लेबर पेन। कभी कभी अचानक से आपको पीरियड की जैसी मरोड़े आएंगे, आपका पेट कड़क होगा, पेट के निचले हिस्से में भी कुछ टाइम तक पेन होगा और सही हो जाएगा। ये आपको 3 महीने में ही थोड़ा थोड़ा हो सकता है, 7 महीने में, 8वें महीने में और 9वें महीने में। तो ये आपको जैसे कि 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे की गैप से भी हो सकता है। तो इसमें भी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपको अचानक से मरोड़े आ रही हैं, पेट कड़क हो रहा है, और आप ऐसे में क्या करें कि आप अपनी पोजीशन चेंज कर लें। अगर आप बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हुए हैं तो वॉकिंग करने लगे, और अगर लेटे हुए हैं तो उठ के बैठ जाएं, तो आपका ये पेन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको 7वें, 8वें महीने में ये पीरियड जैसा दर्द बढ़ता ही जाता है और आपका दर्द और दर्द सही नहीं होता है, आराम करने पर भी या कोई भी एक्टिविटी भी करने पर भी आपका दर्द सही ना हो, और कंटिन्यू आपको जो दर्द है पीरियड में, पीरियड की जैसी मरोड़े हैं वो बढ़ती जाए और दर्द आपको जल्दी जल्दी आए, तो ये प्रीमेच्योर डिलीवरी की तरफ इशारा करता है। इसीलिए आपको ऐसे में भी तुरंत हॉस्पिटल भागना चाहिए अगर आपको ऐसा 7वें, 8वें महीने में हो रहा है, और आपको इसके साथ लगता है कि स्पॉटिंग है, ब्लीडिंग है, या फिर आपको पानी डिस्चार्ज होने लगा है, मतलब आपको वाटर ब्रेक हो गया है, मतलब कि पानी की थैली फट चुकी है। तो ऐसे में बिना टाइम वेस्ट किए हुए तुरंत हॉस्पिटल जाएं। अब 9वें महीने में ये सारी चीजें नॉर्मल है, क्योंकि 9वें महीने में अगर ये सारी चीजें होती हैं तो मतलब आपकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है, आपका बेबी आपके पास आने वाला है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपको पूरी प्रेगनेंसी में जब भी आप यूरिन पास करते हैं और आपको पेट के निचले हिस्से में पेन हो रहा है तेजी से, और आपको जो यूरिन का कलर है वो भी काफी ज्यादा डार्क आ रहा है, तो ये यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, या आपके प्राइवेट पार्ट में भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए भी आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। प्राइवेट पार्ट का इन्फेक्शन अच्छा नहीं होता है, ये सीधा आपके बच्चे तक पहुंचता है। और जैसे कि 5 महीने से आपका बेबी गर्भ में हलचल करना शुरू कर देता है, तो जब बेबी अचानक से अपनी पोजीशन चेंज करता है, बेबी किक करता है, तो
इस वजह से भी कभी कभी आपको पेट के निचले हिस्से में पेन हो सकता है। जब आपका बेबी एक्टिविटी करता है तो ये दर्द आपको नाभि के आसपास भी हो सकता है, तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर ये दर्द थोड़ा थोड़ा है। लेकिन अगर आपको नाभि में अंदर भी ज्यादा पेन हो रहा है, असहनीय पेन है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सिम्टम होता है कि शायद आपके प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम आ गई है, प्लेसेंटा में कोई दिक्कत हो सकती है। जैसे कि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में आप सबको पता ही है कि खाने की क्वांटिटी नहीं क्वालिटी डिपेंड करती है। मतलब तो और ज्यादा जो बाहर का खाना होता है, फास्ट फूड, ऑयली फूड, स्ट्रीट फूड, इनको भी आपको नहीं खाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल लेना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए, जूस लेना चाहिए, दूध, दही, छाछ, सारी चीजें आप अपनी डाइट में ले सकती हैं। इससे क्या है, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा, आपको गैस अपच की दिक्कत नहीं होगी, पेट नहीं फूलेगा, इससे से आपका पेट दर्द भी नहीं होगा। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज, अपने शरीर में आपको पानी की कमी नहीं होने देना है। पानी की कमी होगी तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, जिस वजह से आपको बॉडी में पेन तो हो गई, साथ में पेट में भी दर्द आपको हो सकता है। इसके बाद कोई भी काम आपको ज्यादा टाइम तक नहीं करना चाहिए, नहीं आप कंटिन्यू लगे हुए हैं एक ही काम में, तो इससे क्या होता है, आपके पेट पर तो दबाव पड़ेगा, जिस वजह से आपको पेट में दर्द होगा और बच्चे को भी दिक्कत होगी, आपको भी बेवजह थकान होगी। इसीलिए कोई भी काम प्रेगनेंसी में लगातार नहीं करना चाहिए, लगातार चाहे खड़े होके हो, बैठ के हो, कैसे भी हो। बाद अपनी सोने की पोजीशन पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे नहीं सोना चाहिए कि आपके पेट पर दबाव पड़े, और आपको सीधे भी नहीं सोना चाहिए। आपको हमेशा प्रेगनेंसी में ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट करवट करके सोना चाहिए, इससे घर में बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छे से पहुंचता है और आप पेट दर्द से भी बची रहती है। फिर जब पोजिशन आपकी सही रहेगी तो पेट पर दबाव नहीं पड़ेगा, जिस वजह से आपको पेट में दर्द नहीं होगा। तो बस ये ऐसी कुछ टिप्स है जिनसे आप पेट दर्द से बच सकती है, और साथ ही ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। बाय बाय।